आपको कैसा लगता है कि चीज़ें बदल गई हैं बट वो गलत चीज़ होती है चीज़ें तो वैसी रहती है दुनिया वैसी चलती है हमारी ज़िंदगी जो है बदल जाती है टू दैड न्यूज दट सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस में थे पास ही इमेजिन करो एक आदमी जो चालीस साल का है फिट है लुक्ट कैरियर पास दिकॉज ऑफ हार्ट टाउन सो अनफेर द लाइफ इज सो अनफेयर मेरी सोलो रेस्ट इन पीस आई होप ऊपर वाला उनकी फैमिली को शक्ति दे कि इस चीज़ से उभर पाए वैसे तो इस चीज़ से उबर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये सब चीज़ हमें एक चीज़ का एक्सपीरियंस देती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है तो खुल के जो जो करना है कर और अपने के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करो so, so, सो वेलकम बैक टू दैर आई होगा तो अपने जितने लोगों ने भी प्लेट फाइव गेम रिकमेंड किया थैंक यू सो वेरी मच वैसे मैं फीफा और कॉल ऑफ ड्यूटी इधर डाउनलोड करने ही वाला हूँ और बाकी का भी मॉडल कॉम्बेट में अपन थोड़ा अच्छा हो रहा है इसमें अच्छा हो जाएगा दसनलोड करेंगे आपको पता है कुछ हफ्तों पहले मैं बोल रहा था शैनस को एक ऑयल चाहिए ये वाला मसाज ऑयल वाल जो स्ट्रेच मार्क के लिए बहुत अच्छा रहता है तो आप किसी को जानते हो अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ के बाद ये वाला जो ऑयल है वो लगाना शुरू कर दो तो कोई बैंड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ये मोस्टली लड़कियों के लिए अच्छा होता है शैन क्योंकि दुबई की फ्रेंड है उसने बताया स्ट्रेच मार्क्स बिकॉज बहुत ज़्यादा आते हैं इससे स्ट्रेच मार्क्स जो है कम हो जाएंगे टेक्निकली काम शैनस का बोलने का बट मैं बोल रहा हूँ मुझे मैं कब से ढूंढा था दिया इसको सुमेरा ने गिफ्ट दिया दोस्तों स्वीट ऑफ जब सुबह उठते तो आपके पास दो टाइप की एनर्जी होती है तो स्ट्रेंथ होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है आज मेरी स्ट्रेंथ तो बहुत हाई थी लगा था कि आज फार्ट डे होगा फार्ट डे जा रहा है अच्छा खासा वर्कआउट भी खत्म हुआ अभी काम भी करूंगा मैं लेकिन आज पॉजिटिविटी लेवल ना माइनस में है नथिंग रॉन्ग सब कुछ मस्त चल रहा है आई नो द द इट्स न्यूज आई वॉच और इट्स बट आई एम वेरी नेगेटिव सो मेरा सबसे अच्छा तरीका है आके वर्कआउट करो वर्कआउट भी आज मैं हंड्रेड परसेंट कर नहीं पाया मैंने एट्टी परसेंट करके छोड़ दिया मतलब होता है ना जब आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं आती है स्ट्रेंथ है उठ रहा है लेकिन वो अंदर इच्छा ही नहीं होती है तो होता है नहीं होता है, इसको तो आज अच्छा दिन है का लास्ट ब्लॉग में मैंने में क्लिप्टो का प्रमोशन किया आज अपनेटली मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो आज मैंने आज थोड़ा बाई सेल बाई सेल किया अच्छा खासा पैसा भी कमाया मैंने सी एवरीथिंग इज गुड वर्कआउट हुआ पैसा कमाया गुड डे पॉजिटिव डे एवरीथिंग गोइंग राइट बट स्टिल यू फील डोंट नो बोट

तो मेरी मम्मी अभी भी मेरे को थोड़ा एक, एक सर्टन अमाउंट देती है जिसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ हर महीना है ना तो मैं पहले मम्मी को पटाना पड़ता है फिर मेरे से होता है, है।, है। जब मैं पैदा होता हूँ तो मेरे माँप ने एक चीज़ में जरूर बोली थी कि भाई तू पैसा बहुत उड़ाएगा और तू ट्रैवल बहुत करेगा ट्रैवल बहुत करेगा कि मैंने विश्वास नहीं किया था पैसा उड़ाऊंगा मैंने विश्वास किया था तो अभी देखो लॉकडाउन में भी और अभी जब खुल गया है तभी भी मेरा ट्रैवलिंग जब मैं ना चाहते हुए भी, भी मेरा छोटा मोटा ट्रैवलिंग हो रहा है अभी जिस शूट के बारे में मैं आपको बात कर रहा था कुछ दिनों पहले अभी टेक्निकली वो कल मुंबई में होने वाला था लेकिन अभी लास्ट पॉइंट में प्लान चेंज हुआ है कि कल हम दूसरे शहर में करेंगे जिसके लिए शायद मुझे फ्लाइट लेनी पड़े अभी भी कन्फर्म नहीं हो है रात तक कन्फर्म होगा सोचो क्या दिमाग इतना कन्फ्यूजन है बट मैं आपको वीडियो के एंड तक अपडेट कर दूंगा कि मुंबई में कि मुंबई के बाहर आज चाहते तो हुए भी अपना फिर से इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट हो ही जाएगा वैसे तो मैं गाड़ी लेके जाना था बिकॉज बारिश बहुत हो रही है और शायद को थोड़ा डर लगता है कि टर्बुलेंस से लेकिन अभी शूट है तो करना पड़ेगा पहले मैंने सोचा कि मैं जब भी ट्रैवल करूंगा इंटरनेशनल तो मैं ये बैग लेके जाऊँगा बिकॉज जब भी मैं इंटरनेशनल जाऊँगा इस बार तो मैं कम से कम पंद्रह दिन से एक महीने के लिए जाऊँगा और मैं शायद अपना पी कैरी करने वाला हूँ क्यों ये अब जब मैं ट्रैवल करूँगा देख लोगे मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे बस बोलता करेगा नहीं लेकिन इस बार मैं करूँगा और वो क्यों करूंगा वो भी आप देख तब देखोगे जब मैं ट्रैवल करूंगा क्योंकि अब तक मेरा ट्रैवल का हंड्रेड परसेंट नहीं है प्रॉब्लम है कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो कुछ भी हो रहा है शुरू शुरू में कुछ भी हंड्रेड परसेंट नहीं होता है राइट फ्रॉम द प्रेगनेंसी टू सो मेनी थिंग्स सब कन्फ्यूजन हो रहा है इसके लिए मैं इतना कुछ नहीं बोल रहा लेकिन अभी थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन का हो रहा है तो करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ पे लेकिन मैं इसमें फेंक नहीं रहा हूँ सच पे खेलूंगा मैं सुबह से खेल रहा था इनफैक्ट जो लास्ट फ्रेम से ये फ्रेम में आया उसको ढाई घंटे बाद हुआ क्योंकि मैं कुछ कपड़े जो है वो वो घर में भूल गया था जूते के साथ तो क्योंकि जूते

और तो थोड़ा वो मेरा वो केदारनाथ मूवीज नमो नमो है ना वो मेरा फिर। जब भी मुझे लो होता है मैं सुनता और तो गे। अच्छा लगता कपड़े नहीं चाहिए ना कपड़े का शॉपिंग हो गया ना तो शूट के लिए वो लोग कपड़े देंगे क्योंकि मेरा साइज थोड़ा बड़ा है तो अपन हमेशा हटके चीज करते हैं जब कोई म्यूजिक वीडियो नहीं बनाता था तो अपने म्यूजिक वीडियो बनाया तेरा भाई वो इतना अच्छा नहीं था और बाद में लभी डबी सॉन्ग और बाद में अभी ये ये तो एकदम अलग हो जाएगा ना जब एकदम हटके एक्सपेरिमेंट करना अपना जन्म अधिकार है और वो करना नहीं छोड़ने का अब आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे लेकिन नहीं इस बार गाड़ी लेके नहीं जाएंगे क्योंकि शैनिस प्रेग्नेंट है तो नासिक पुणे तक गाड़ी लेके जाना इज़ कन्वीनियंट वो चल जाता है आ, लेकिन अभी एज द टाइम गोज़ इट्स आई डोंट थिंक इट्स सेफ और मेरी फटी पड़ी रहेगी और क्या ड्राइविंग एकदम तो फ्री होके चलाते हैं टेंशन लेके नहीं चलाते तो अभी अग भी अगर चलाया कुछ भी खड्डा आता है कुछ भी आता है तो डर लगेगा बिकॉज़ दूर जाते हैं तो अपनी गाड़ी पचास साठ पे तो चलती ही नहीं अपनी गाड़ी एक सौ बीस चालीस पर चलती है और वो टाइम कुछ हुआ फिर कैसा है

हमारी जिंदगी जो है बदल जाती है अभी जब मैं बाहर गया था मैं शैडेस को बोल रहा था वी थिंक बिकॉज ऑफ कोविड लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज या एट एस चेंज बट लुक लुकट आर लाइफ लास्ट ईयर वी वर जस्ट हैंगिंग अराउंड यू नो इन मलार्ड समेर फाइंडिंग कैफेज टू ड्रिंक कॉफी बिकॉज लॉकडाउन है एंड दिस ईयर वी आर एक्चुअली प्लानिंग किड वी डोंट रो ऑन स्कूटर एनी मोर सो थिंग्स हैव चेंज फॉर अस दुनिया वही है दुनिया वैसी ही चल रही है और वैसी चलती रहेगी जब आप 20 साल के हो तो आपको लगता है अब यंग हो लेकिन 10 साल बाद आप 31 के हो तो आपको लगता है बूढ़े हो रहे हो कि 10 साल में इतना कैसे बदल सकता है कोई यार फिट रहोगे तो आप 51 में भी यंग लगोगे हाँ जी 51 में नहीं पता मैं तो मस्त लगूँ मस्त लगा तेरे से ज़्यादा मस्त लगूँ अच्छा नहीं वापस बैकपैक पैक करना पड़ेगा तो बैकपैक पैक और अनपैक ही करते जा रहा हूँ एनी वे फ्लाइट की टिकट आ गई है बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो प्रॉब्बली मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गया रहूँगा सो दिस दिस इज द रीजन ये ब्लॉग थोड़ा छोटा बना है आज बहुत एक्चुअली आज थोड़ो आने वाले दस दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं मुझे पता है कि मैं डेली लॉक कैसे डालने वाला हूँ वैसे तो स्किप होने दूंगा नहीं लेकिन अगर हो जाता तो यू गैस विल अंडरस्टैंड वैसे तो आई थिंक अक्टूबर लास्ट ईयर से मैंने अभी तक स्किप नहीं किया सोचा था कि एटलीस्ट जिंदगी में एक बार 365 डेज 365 व्लॉग्स बनाऊंगा अगर वो हो पाए तो अच्छी बात है नहीं हो तो भी अच्छी बात है इसलिए अगर ये ब्लॉग अच्छा नहीं लगा तो एम रियली सॉरी कैन प्रेस द डिसलाइक बट अगर अच्छा लगा प्रेस द लाइक बटन तो यहाँ तक खत्म करते हैं शायद सो गई है मैं भी सो जाऊंगा मैं को जल्दी सो गई, चार बजे नहीं सो सकता सो विद दैट सर एज ऑलवेज शुक्रा अलविदा मार्सलमा केयर एंड डू वर्ड अवे यू वांट माई लवली फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में शब्बकोज और वो वह अभियंतो मॉन्जूरनी